सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान, बहुत सारी फिल्मों में इन्होंने एक साथ काम किया है, लेकिन तीनों ही खान ने एक साथ एक फिल्म में कभी काम नहीं किया। हालांकि कई डायरेक्टर और प्रोड्यूसर जो है इन तीनों खानों को एक ही फिल्म में लेना चाहते थे, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया। और एक बार ये कोशिश की थी डायरेक्टर अनुपम खेर ने, जी हाँ, वो एक फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे और वो फिल्म जो थी वो फिल्म प्रोड्यूस करने वाले थे यश चोपड़ा। ऐसे में यश चोपड़ा ने अनुपम खेर के सामने शर्त रख दी। उन्होंने कहा कि मैं ये फिल्म तभी प्रोड्यूस करूंगा जब इस फिल्म में सलमान, शाहरुख और आमिर खान काम करेंगे और एक्ट्रेस के तौर पर प्रीति जिंटा, रानी मुखर्जी और काजोल काम करने को तैयार हो जाएंगे। अनुपम खेर तीनों खानों के पास एक एक कर पहुंचे। उन्होंने तीनों खानों को अपनी फिल्म की स्टोरी सुनाई, लेकिन तीनों खानों में से कोई भी उस वक्त फ्री नहीं था। सब अपने अपने प्रोजेक्ट्स में बिजी थे, लिहाजा तीनों की तरफ से ना कह दिया गया। वहीं अनुपम खेर जब तीनों एक्ट्रेस रानी मुखर्जी, काजोल और प्रीति जिंटा के पास पहुंचे तो वहां से भी उन्हें नाकामी ही हाथ लगी। तीनों एक्ट्रेस भी अपने अपने काम में व्यस्त थी, लिहाजा वहां से भी अनुपम खेर को निराशा लगी। अब ऐसे में ये फिल्म तो बननी थी, लिहाजा दूसरे एक्टर से कांटेक्ट किया गया और ये एक्टर थे फरदीन खान, अनिल कपूर और अभिषेक बच्चन। एक्ट्रेस थी तारा शर्मा, उर्मिला मातोंडकर और महिमा चौधरी। और ये फिल्म थी साल 2002 में रिलीज हुई ओम जय जगदीश फिल्म। ये तीन भाइयों की कहानी थी और ये कहानी जो है बड़ी खूबसूरती के साथ पर्दे पर दिखाया गया। हालांकि फिल्म जो है बहुत बड़ी हिट नहीं रही, बहुत औसत रही। लोगों को कहानी अच्छी लगी, लेकिन लोगों को स्टार कास्ट बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया। खैर, अगर आप में से किसी ने ये फिल्म देखी है तो ज़रूर बताइएगा, कमेंट कर दीजिएगा कि अगर इसमें आमिर, सलमान, शाहरुख होते तो फिल्म कैसी होती, क्या आप ये फिल्म देखने जाते या नहीं देखने जाते, या फिर ये बता दीजिएगा कि क्या ये मुमकिन है कि ये तीनों खान अब आगे चल के किसी फिल्म में एक साथ नजर आए। खैर, मुमकिन होता हुआ दिखाई तो नहीं दे रहा, क्योंकि खुद शाहरुख खान ने एक बार कह दिया था मंच पर कि कोई भी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर जो है वो इन तीनों खानों को एक साथ अफोर्ड नहीं कर सकता। वहीं आपको बता दें कि अंदाज अपना अपना, बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिसमें शाहरुख, सलमान काम कर चुके हैं। आमिर खान और शाहरुख खान पहला नशा फिल्म में जो है वो एक साथ नजर आए थे, पर तीनों खानों को एक साथ देखने की चाहत अधूरी रह गई। हालांकि अनंत अंबानी की शादी में मंच पर ये तीनों खान एक साथ नजर आए थे, लेकिन फिल्म में कब दिखेंगे ये कह पाना बहुत मुश्किल है।